हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एमसीसी ने दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इन दोनों नोटिफिकेशन को मैं बताऊंगा। ये नोटिफिकेशन एक तो अभी आया, एक नोटिफिकेशन मोपअप राउंड का जब रिजल्ट आया था तो उस टाइम आया था, ठीक है। आज ही के दोनों नोटिफिकेशन हैं, देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मोपअप राउंड का रिजल्ट आ चुका है। मोपअप राउंड में क्या कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लें। मैंने आपको कैटेगरी वाइज उसमें कट ऑफ बताया है कि सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ रही थी, फिर मोपअप राउंड की क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। जो मोपअप राउंड का रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि उस मोपअप राउंड के रिजल्ट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह है, कुछ भी गलत लगता है आपको, तो आप एमसीसी की ये एक मेल आईडी है, ठीक है, mccresultquery@gmail.com, इस मेल आईडी पर आप 24 मार्च मतलब कल सुबह 8 बजे तक, अप टू 8 PM तक, आप उस जो आपको लगता है कुछ गलत है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस मेल आईडी पर आपको फॉरवर्ड कर देना और उसमें मेंशन कर देना है कि ये गलत है, इसमें ये गलती इसमें है, ठीक है। उसके बाद जब उसका प्रोविजनल रिजल्ट जब रिलीज़ किया जाएगा, उस प्रोविजनल रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे कि 8 बजे के बाद कोई भी मेल आईडी को जो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी मेल करते हो, चाहे कुछ भी गलती सही, लेकिन उसको फिर प्रोविजनल रिजल्ट जैसे ही आता है इसका फाइनल रिजल्ट, उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए है। तो देखिएगा फ्रेंड, दूसरा नोटिफिकेशन भी अभी आया है। ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले नोटिफिकेशन ये अभी अभी आया है, नोटिस फॉर बार्ड ऑफ कोविड वॉरियर्स, जो आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर भी 2020 की काउंसिलिंग में भी किया गया था। आप सभी को पता है कि एनटी ने ये फैसला लिया था कि कोविड वॉरियर में कुछ एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, जो कि 5 डॉक्टर की जो अलॉटमेंट है यहाँ पर डिसाइड किया है कि उसमें उनको अलॉट किया जाएगा 5 MBBS सीट्स को, जो कि बार्ड ऑफ द कोविड वॉरियर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसकी कंडीशन वगैरह पहले भी मैंने बताया था, जब इसका 17 मार्च को नोटिफिकेशन आया था तो मैंने बताया था, जो 17 मार्च को इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे जो सबमिट करने थे, वो 17 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि इट द इन्फॉर्मेशन डेट रिसीविंग द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन थ्रू DMES DHS हैव बीन द एक्सटेंडेड अप टू 5 PM 28 मार्च 2020। तो आपके लिए एक और चांस मिल गया है, अगर आप कोविड बैरियर में MBBS डॉक्टर बनना चाहते हो, उसमें सीट लेना चाहते हैं, तो 28 मार्च शाम 5 बजे तक आप इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप भी कर सकती हो। यहाँ बोला है कि प्लीज़ नोट डैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिल्ली कैन सेंड देयर द एप्लीकेशन थ्रू एड्रेस, ठीक है। जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, वो इस एड्रेस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, ई मेल आई डी पर कर सकते हैं, डॉक्टर पूनम पनवार CMO, ठीक है, नोडल ऑफिसर नीट कोविड बरियस, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि दो नोटिफिकेशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जानने की जानकारी है, तो आपसे और नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर कोई अपडेट मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें नीट की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए।